बुक सेकंड जो हमारी ज्योग्राफी की है, दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इस बुक के जो डिटेल्स है किसकी, कंटेंट्स की, कि कौन कौन से लेसन इसमें हैं, कौन कौन से यूनिट्स को हमने कवर करना है, कितनी क्लासेस लगेंगी, कितने चैप्टर्स को हम कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, इस बात पे फोकस करूंगा इस लेक्चर के अंदर। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। यूनिट वन में आपको आएंगे तीन चैप्टर्स, तीनों के नाम इस तरह से हैं, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ये हमारा चैप्टर वन है यूनिट वन का। उसके बाद है माइग्रेशन, टाइप्स, कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस, देन ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद आता है यूनिट टू, ह्यूमन सेटलमेंट्स, नेक्स्ट लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं ये लेसन के नाम आपको बता रहा हूँ, आप अपनी कोर्स बुक को खोल करके, जो आपकी बुक टू है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो सेकंड बुक है, उसके कंटेंट्स को आप एक बार देख करके वेरीफाई करोगे कि हाँ आपकी बुक इन्हीं कंटेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ फॉर्म में इन कंटेंट्स की आपको लिस्ट भी मिल जाएगी पूरी सिलेबस की, ठीक है, कि आपके बुक में क्या क्या कुछ होने वाला है, आप वहां से इसको नोट भी कर सकते हो डिटेल में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, और लास्ट यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है वो है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो ये हमारी बुक टू के डिटेल्ड कंटेंट्स थे, या फिर चैप्टर्स के नाम थे जो हमें कवर करने हैं। इनको कवर करने में भी इक्वली 90 पीरियड्स का या 90 लेक्चर्स का टाइम लगने वाला है। आप फिक्र मत करें, हम बहुत जल्दी इनको कंप्लीट कर लेंगे, और अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऐसा नहीं कि बस पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है कि इतने लेक्चर्स पूरे करने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको हर एक बात समझ आएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप जो भी दिक्कत आपको आएगी, जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट आपको रहती है, आप साथ साथ में कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछते रहेंगे, सो दैट हम मिल करके डिस्कस करके हम उसको आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी बुक थ्री, जो हमारी प्रैक्टिकल बुक है, उसका नाम है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट टू। इस बुक में से हमें 30 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो आने वाला है। आपको यहां पर समझनी ये बात है कि इस बुक में से हमें कोई पेपर नहीं आएगा देने के लिए, ठीक है, मतलब ये एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है। कोई अननोन टीचर, कोई अननोन एग्जामिनर आपके स्कूल में आएगा सॉरी, आने के बाद वो आपका पर्सनली इंटरव्यू लेगा, आपसे पूछा जाएगा, आपकी उस प्रैक्टिकल बुक को चेक किया जाएगा, और आपके ओवरऑल बिहेवियर और ओवरऑल जो थ्योरी का रिजल्ट होता है, इस पर काफी चीजों पर डिपेंड करता है ये प्रैक्टिकल का रिजल्ट, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स आपको इस बुक में से आने हैं। इस बुक के टोटल दो यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में से आपको आएगा 15 मार्क्स का पेपर, यूनिट टू में से आपको आएगा 10 मार्क्स का, 25 हो गए, और बचे हुए जो 5 मार्क्स हैं वो आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है जिसको आप प्रिपेयर करते हो, उस प्रैक्टिकल नोटबुक के अकॉर्डिंग उसकी उसको देख करके, उसको चेक करके, कितनी सही तरह से, कितनी डेडिकेशन के साथ आपने उसको मेंटेन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से 30 30 मार्क्स की हमारी ये प्रैक्टिकल बुक होने वाली है, बुक थ्री। हम सभी बुक्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, सभी लेक्चर्स को, टेस्ट सीरीज को हम एक एक करके सब कुछ कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है। आने वाले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा होगा। बुक्स तो हमने समझ लिया, हमारे पास बुक वन है, बुक टू है, बुक थ्री है, तीनों बुक्स में से कितने कितने मार्क्स का आएगा, कौन कौन से कंटेंट्स हैं, ये तो हमें पता लग गया होगा, ठीक है। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हमारा जो पेपर आएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में, 70 मार्क्स का पेपर, जो थ्योरी पार्ट होगा, वो पेपर दिखेगा कैसा, उसमें कितनी सेक्शंस होंगी, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ये बात हम समझेंगे।